हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। ज्ञान की शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ट्रांसलेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं, जो कि कंडीशनल सेंटेंस है, शर्त वाले वाक्य। और ये वाक्य हमेशा यूपी बोर्ड एग्जाम में ट्रांसलेशन जो दी जाती है, जो 10 नंबर की आती है फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, उसमें इससे रिलेटेड दो सेंटेंस कम से कम जरूर आते हैं। उसमें 10 नंबर की होती है और 10 सेंटेंस होते हैं, तो हर में कोई ना कोई रूल हिडन होता है, तो वहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे कॉम्पिटिशन है उन एग्ज़ाम में भी ये बहुत आते हैं। एग्ज़ाम में करेक्शन ऑफ द सेंटेंस में भी आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में भी आते हैं। तो किस टाइप से हम इनकी हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं, एक चीज निश्चित रूप से आप जानिए कि हम फ्रॉम द वेरी मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम अपना हिंदी में एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम उसमें एटलीस्ट 40 or 50% कंडीशनल सेंटेंस का यूज करते हैं। लेकिन यदि हम उनको इंग्लिश में बोलते हैं तो कैसे हम उनको बोलेंगे, कैसे हम उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले देखें कि कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस शर्त वाले वाक्य। कंडीशन माने शर्त होता है, और कंडीशनल शर्त वाले यानी शर्त संबंधी सेंटेंस वाक्य शर्त वाले वाक्य कैसे होते हैं, अर्थात इन्हें शर्त वाले वाक्य क्यों कहा गया है, क्योंकि इनमें एक शर्त होती है, कंडीशन होती है, और उसके साथ साथ उसका रिजल्ट, उसका परिणाम भी दिया हुआ होता है। ये कंडीशन और रिजल्ट दोनों या तो प्रेजेंट में होते हैं, या फ्यूचर में होते हैं, या पास्ट में होते हैं, या कोई एक पास्ट में और दूसरा फ्यूचर में होता है। तो इस प्रकार से इन विशेषताओं के आधार पर इनको हमने चार भागों में बांटा है। तो ये बताया कि देखिए, कंडीशन सेंटेंस में एक कंडीशन होती है, एक रिजल्ट होता है। कंडीशन की अंग्रेजी शुरू में बनाते हैं, हमेशा याद रखिए, और रिजल्ट की अंग्रेजी बाद में बनाते हैं, और इन दोनों के बीच में तो या तब तक आएगा हिंदी वाक्य में, तो या तब तक की अंग्रेजी हम कोमा लगाते हैं। इसके अलावा ये वाक्य हमेशा यदि से, अगर से, जब तक से और जब तक नहीं से शुरू होते हैं। यदि और अगर की एक ही अंग्रेजी होती है, इफ, जब तक से यदि शुरू होते हैं तो अंटिल, यदि उसमें नेगेटिव नोट भी होता है और जब तक नहीं आता है सेंटेंस में तो अंटिल नहीं लगाते, उसके बाद अनलेस लगाते हैं। अनलेस में नोट छिपा रहता है, अर्थात अनलेस का मीनिंग होता है जब तक नहीं, अर्थात आप समझ गए होंगे कि कंडीशनल सेंटेंस हमेशा यदि से, अगर से, जब तक से और जब तक नहीं से शुरू होते हैं। इन विशेषताओं के आधार पर इनको चार भागों में बांटा जाता है। तो याद रखिए, सबसे पहला जो कंडीशनल सेंटेंस होता है, इसमें, इस वाक्य में, इस विशेषता को अच्छी तरह समझ, जिसने ये बात समझ ली उसे कंडीशनल सेंटेंस समझ आ गया। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप तक जाऊंगा, और ये फर्स्ट स्टेप है, इसमें एक कंडीशन होती है, उसके साथ साथ उसका रिजल्ट होता है। ये रिजल्ट है, ये कंडीशन है। तो याद रखिए, जो फर्स्ट टाइप होता है, फर्स्ट टाइप कंडीशनल सेंटेंस में, ये कंडीशन में पास्ट टेंस होता है, अर्थात इसकी पहचान होती है ता ते ती, पास्ट टेंस होता है। रिजल्ट में भी ता ते ती आता है वाक्य के बाद में, तो ये भी पास्ट टेंस में हो गया, दोनों पास्ट टेंस में होते हैं। जब दोनों में ता ते ती आता है, तब हम इसकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं, देखिए मैंने यहां पर इसको लिख दिया, ये तीर का निशान लगाया है कि जो कंडीशन, चूंकि कंडीशन की अंग्रेजी शुरू में बनाते हैं, तो कंडीशन ऐसे वाक्य में किसमें बनेगी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगी। और पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल होता है कि ऑल सब्जेक्ट के साथ हेड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बनाते हैं। लेकिन जो रिजल्ट होगा, जो परिणाम होगा, उसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, आल सब्जेक्ट, चाहे वो एक वचन हो, देखिए मैंने ये लिख दिया है, आल सब्जेक्ट के साथ में, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी के साथ में वुड हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी कोई भी सेंटेंस होता है, जैसे देखिए ये सेंटेंस है, यदि वह कठिन परिश्रम करता तो पास हो जाता। इसमें शब्द क्या है, यदि वह कठिन परिश्रम करता,
तो पास हो जाता, तो बीच में आ गया, रिजल्ट क्या होता, पास हो जाता, तो कंडीशन की अंग्रेजी शुरू में बनाएंगे और कंडीशन की अंग्रेजी पास परफेक्ट टेंस में बनेगी। इफ ही हैड लग जाएगा, हैड वर्क्ड हार्ड, उसके बाद कोमा लगाएंगे तो के लिए, ही वुड हैव पास्ट। याद रखिए रिजल्ट में मैंने बताया वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, ही वुड हैव पास्ट। तो इसी टाइप से हम बनाते जाते हैं, यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी मदद करता, इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, यदि रोगी दवाई ले लेता तो नहीं मरता, इफ द पेशेंट हैड टेकन द मेडिसिन ही वुड नॉट हैव डाइड। इस टाइप से हम सेंटेंस बनाते हैं, हमारा एक इंक्लिनेशन बन जाता है। लेकिन यदि हम इस रूल को नहीं जानते तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ट्रीट करके उसमें ट्रांसलेट कर देंगे, वो हमारा सेंटेंस गलत बन जाएगा। तो निश्चित याद रखिए दोनों में तातेती होगा, तो याद रखिए वो फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें की कंडीशन पास्ट परफेक्ट में और रिजल्ट पास्ट रिजल्ट वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म के साथ बनेगा, ये रूल हमें मालूम हो जाना चाहिए, इसके आधार पर ही हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। करेक्शन ऑफ द सेंटेंस में भी ये दे दिया जाता है, ध्यान रहे कभी वो यहां पर हेड छोड़ देगा, If he worked hard, he would have passed. कभी वो यहाँ पर would छोड़ देगा, he have passed या he has passed लिख देगा। तो याद रखिए यदि यहाँ पर ये सही है कि head के साथ third form लगी हुई है तो यहाँ पर would have आना चाहिए, और यदि यहाँ पर would have आया हुआ है, conditional sentence है, if से start हो रहा है, until से start हो रहा है, unless से start हो रहा है, और यहाँ पर would have आया है तो यहाँ पर head के साथ third form आनी चाहिए। इस टाइप से हम इसकी जो मिस्टेक होगी सिंटेक्स में वो इवेल्युएट कर लेंगे। दूसरा सेंटेंस होता है, देखिए दूसरा कौन सा टाइप होता है, इसमें भी एक कंडीशन होती है, एक रिजल्ट होता है, और इसमें जो कंडीशन होगी इसमें गागेगी होगा, वाक्य के अंत में हिंदी वाक्य में क्या आएगा, गागेगी आएगा, अर्थात ये फ्यूचर टेंस में होगा और रिजल्ट में भी गागेगी होगा, ये भी फ्यूचर टेंस में होगा। इस टाइप से हम पहचान लेंगे, ये रिकॉग्निशन है इसकी, सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस की, जिसमें की गागेगी दोनों में, यहां तातेगी था तो यहां गागेगी आ गया दोनों में। यदि दोनों में इस टाइप से फ्यूचर होगा तो पहला सेंटेंस जो कंडीशन है, जो शुरू का सेंटेंस है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, और इसके बाद यहां पर ये कोमा जो रूलिंग के अनुसार ऊपर मैंने बता दिया आएगा, और इसका जो ये रिजल्ट है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। यानी हम यदि इस रूल को नहीं जानते तो हम दोनों को ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट कर देते, लेकिन पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा, इसमें गागेगी आ गया, तो पास नहीं होगा, इसमें भी गागेगी आ गया। तो पहला कंडीशन क्या है, यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा, इसकी इंग्लिश हम किसमें बनाएंगे, रूलिंग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार बनाएंगे, इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड, कोमा आ गया, ही विल नॉट पास, ये सेंटेंस बना, लेकिन एग्जामिनेशन में वो क्या करेगा, इसमें भी विल लगा देगा, इफ ही विल नॉट वर्क हार्ड ही विल नॉट पास, और कहेगा कि इसमें क्या गलती है, इसको सही करिए। तो हम जानते हैं कि ये सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है, और इसमें जो कंडीशन है वो किसमें आती है, कंडीशन हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगी, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, विल नॉट की जगह डज नॉट बना देंगे। तो इस टाइप से हम इसकी ये जो मिस्टेक होगी उसको सही कर लेंगे। और एक एग्जांपल हो सकता है, इस एग्जांपल में आगे भी एक चीज दी जा सकती है, वो कह सकता है, ये सेंटेंस आ जाएगा, जब तक वह कठिन परिश्रम करेगा तो पास होगा। इसकी हम इंग्लिश देखिए, इसमें जब तक तो आया, इसकी इंग्लिश हम अंटिल लगा देंगे, अंटिल, लेकिन इसमें अनलेस नहीं लगा सकते क्योंकि नॉट नहीं आया। एक बात और याद रहे कि जो सेकंड सेंटेंस इसमें बनेगा तो पास होगा। अब कुछ बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, इसका सब्जेक्ट भी वही होगा जो पहले वाक्य का सब्जेक्ट था, अंटिल ही वर्क। अब देखिए चूंकि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना है तो अंटिल ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, जब तक वह कठिन परिश्रम करेगा वह पास होता रहेगा, तो पास होता रहेगा।
अब यदि बाय द वे जब तक वह कठिन परिश्रम और इसके बीच में यहां पर नहीं दे दे, नहीं करेगा तो पास नहीं होगा, तो पास नहीं होगा, दोनों में नोट आ गया। तो अब हम इसमें अंटिल नहीं लगा सकते, फिर हम इस वाक्य की इंग्लिश किससे बनाएंगे, अनलेस से बनाएंगे, अनलेस ही वर्क्स, अनलेस के साथ भी भले इस नोट छिपा हुआ है इसमें, लेकिन यहां पर भी हम वर्क में एस लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचन कर्ता के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है, इसमें नोट छिपा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो अनलेस के साथ भी यदि एक वचन कर्ता होगा तो यहां फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे, अनलेस ही वर्क्स हार्ड और ही विल नॉट पास, ही विल नॉट पास, ये हमारा सेंटेंस बना। इस टाइप से हम अनलेस का यूज करते हैं। कभी कभी ये भी होता है ट्रांसफॉर्मेशन में, एक बात बता दूं कि ये सेंटेंस दे देता है इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड ही विल नॉट पास, और ट्रांसफॉर्मेशन में आगे लिखता है रिमूव इफ एंड बिगिन विद अनलेस। इस इफ को हटाइए और इसको अनलेस से स्टार्ट कीजिए, शुरू कीजिए, तो इफ हटा देंगे और उसके बाद अनलेस लगाने के बाद भी यहां से डज नॉट भी हट जाएगा, फिर अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट पास। अब आता है थर्ड टाइप, तीसरे प्रकार का कंडीशन सेंटेंस क्या होता है। मैंने बताया कि ये चारों टाइप के जो कंडीशन सेंटेंस है, ये कंडीशनल सेंटेंस ही हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का बेस है। ये सेंटेंस हम 40% अपने कन्वर्सेशन में सुबह से लेकर शाम तक प्रयोग करते हैं। तो अब ये तीसरा टाइप कौन सा आता है, पहला टाइप हमने देखा यदि वह कठिन परिश्रम करता तो पास हो जाता, दूसरा यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो पास हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पर आता है थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें कंडीशन होती है इसमें भी रिजल्ट होगा, और ये जो कंडीशन है ये होती है पास्ट टेंस में होती है, कंडीशन जो दी गई होती है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती है, जिसमें खाया पिया था एक्सेट्रा ये सब इसकी पहचान होती है, और रिजल्ट किस में होता है, गा गे गी, फ्यूचर टेंस होता है, यानी आज मेहनत करिए और उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो बाद में फ्यूचर में मिलेगा। तो ऐसा सेंटेंस होता है, जब ऐसा वाक्य होता है जिसमें कंडीशन पास्ट टेंस में हो और रिजल्ट फ्यूचर टेंस में हो, तो याद रखिए जो कंडीशन है वो जो का तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना देते हैं, बीच में ठीक वैसे ही कोमा आएगा तो या तब तक के लिए, और उसके बाद जो रिजल्ट बनेगा जो फ्यूचर टेंस में दिया हुआ है जिसमें गागे की आया हुआ है उसमें विल और सेल का प्रयोग नहीं होना है। आल सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, सबके साथ वुड का प्रयोग करेंगे, हैव का नहीं। वुड हैव तो फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस में होता है जिसमें थर्ड फॉर्म आती है उसके साथ वुड हैव के, यहां पर खाली वुड लगेगा और प्लस फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। अब एग्जांपल से समझिए, ये सेंटेंस है यदि उसने कठिन परिश्रम किया तो वह पास हो जाएगा, बात कर रहा है तो वह पास हो जाएगा। यदि मैं दिल्ली गया तो तुम्हारे लिए एक कार लाऊंगा, यदि मैं कानपुर गया तो मैं उससे मिलूंगा, ये सब सेंटेंस इस टाइप के होते हैं। इसमें इस रूल के अनुसार हमने इसकी इंग्लिश बनाई, क्योंकि कंडीशन इसमें क्या है, यदि उसने कठिन परिश्रम किया तो इंग्लिश बनेगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इफ ही वर्क्ड हार्ड, उसके बाद कोमा लग गया रूल के अनुसार तो के लिए, और आगे तो वह पास हो जाएगा, कोमा के बाद ही वुड पास। लेकिन याद रखिए जो भी परीक्षाएं होती है मोस्टली परीक्षाओं में करेक्शन ऑफ द सेंटेंस में इस वाक्य को डाल दिया जाता है, यहां लिखा जाता है इफ ही वर्क्ड हार्ड ही विल पास, स्टूडेंट खुश हो जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये कंडीशनल सेंटेंस है, तीसरे टाइप का कंडीशनल सेंटेंस है, और थर्ड टाइप में यदि कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती है तो रिजल्ट में वुड आएगा, सेल या विल का प्रयोग नहीं होगा। एक और देखिए एग्जांपल, ये वाक्य कैसे होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, काल्पनिक होते हैं, इनमें कल्पना की जाती है। तो कभी कभी क्या वाक्य आता है, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, यदि मैं अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री होता, तो ये सब इमेजिनेशन है। कभी कभी आता है यदि मैं धनी हो जाऊं तो एक कार खरीद लूंगा,
तो इन वाक्यों में चूंकि ये इमेजिनरी है, हूं या जाऊं के लिए सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ वर्ब लगेगा। जबकि वर्ब बहुवचन में आता है, एक वचन के साथ वाज लगता है, लेकिन चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ हमेशा हूं के लिए और जाऊं के लिए क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। एक एग्जांपल से मैंने इसे क्लियर किया है। यदि मैं धनी हो जाऊं तो एक कार खरीद लूंगा, हमने इंग्लिश बनाई इफ आई वर रिच, कॉमा लगा दिया, आई वुड बाई ए कार। सेंटेंस एकदम सही, लेकिन जो परीक्षा होगी, परीक्षा में कैसे देगा करेक्शन में, इफ आई वर रिच आई सेल बाई ए कार लिखेगा। आप समझेंगे कि आई सेल बाई ए कार तो ठीक है, इधर ही कुछ गलती होगी, आई के साथ वाज लगना चाहिए। लेकिन आप आज समझ लें कि ये कंडीशनल सेंटेंस है और थर्ड टाइप है और ये इमेजिनरी वाक्य है, आई के साथ वर सही है और यहां पर आई के साथ सेल नहीं आना चाहिए, वुड आना चाहिए, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। करेक्शन हम एक दूसरे की, एक चीज या तो कंडीशन सही होगी या रिजल्ट सही होगा, एक में गलती दी जाएगी। जब हमें इसकी नॉलेज है तो एक को हम जानते हैं कि कंडीशन में ये होता है तो रिजल्ट में ये हो जाता है, रिजल्ट में ये होता है तो कंडीशन में ये होना चाहिए, इस तरह से हम उसकी गलती को सही कर देते हैं। उसके बाद चौथा टाइप आता है। चौथे टाइप में क्या होता है, कंडीशन और रिजल्ट दोनों होते हैं। यहां क्या होता है, यहां वेट नहीं करना पड़ता। पहले टाइप में दोनों पास्ट में थे, सेकंड टाइप में दोनों फ्यूचर में थे, और थर्ड टाइप में कंडीशन पास्ट में और रिजल्ट फ्यूचर में था। लेकिन यहां इस हाथ दे इस हाथ ले, जाना यदि तुम जाना चाहते हो तो जाओ, यदि तुम खाना खाना चाहते हो तो खाओ, यदि वह इस कार्य को करना चाहता है तो कर सकता है। यानी रिजल्ट और कंडीशन दोनों ही प्रेजेंट में होते हैं। तो देखिए क्या होता है यहां पर, ये कंडीशन इसमें भी ता है ती है ते है आएगा, रिजल्ट में भी ता है ती है ते है आएगा, कभी खाया है पिया है, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि वह कठिन परिश्रम करे तो पास हो जाए, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन होगी। तो यदि दोनों में प्रेजेंट सिचुएशन पाई जाती है, कंडीशन में भी और रिजल्ट में भी, तो यह आपका चौथे टाइप का कंडीशनल सेंटेंस बन जाएगा। और इस फोर्थ टाइप में क्या होगा, इंग्लिश कैसे बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे या प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य दिया हुआ है ता है ती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अंग्रेजी बना देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में अगर है खाया है पिया है गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट में बना लेंगे, बीच में ऐसे ही कोमा आएगा। और उसके बाद इस रिजल्ट में भी हम देखेंगे, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना दो, प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट में बना दो। आइए दोनों एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूं इन दोनों बातों को। पहला एग्जांपल है, यदि वह कठिन परिश्रम करता है तो पास हो सकता है, यानी दोनों ही बातें कहां है, दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो हमने इसको दोनों को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना दिया। इफ ही वर्क्स हार्ड ही कैन पास, कैन किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, इफ ही वर्क्स हार्ड ही कैन पास। दूसरा एग्जांपल लो, यदि आपने अपने माता पिता की आज्ञा मानी है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो अपने कर्तव्य का पालन किया है, यह भी प्रेजेंट परफेक्ट, तो दोनों वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट है, कंडीशन भी प्रेजेंट परफेक्ट में और रिजल्ट भी प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हमने दोनों को ही प्रेजेंट परफेक्ट में बना दिया। इफ यू हैव ओबेड योर पेरेंट्स कोमा यू हैव ओबेड योर ड्यूटी, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बना दिया। तो देखिए ये चार टाइप के कंडीशनल सेंटेंस आपने पढ़े, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इस तरह से जो ये चारों टाइप के कंडीशनल सेंटेंस तैयार कर लेता है उसका इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छा हो जाता है। और जितनी भी हमारी कॉम्पिटिशन होते हैं, यूपी बोर्ड का एग्जाम इंग्लिश का होता है, उन सब में इसका कुछ न कुछ जरूर आता है, कोई ना कोई सेंटेंस आता है, या सिंटेक्स में आएगा, या वो स्टोरी में आएगा हिंदी से इंग्लिश बनाने में, या ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा। तो इन चारों टाइप के कंडीशनल सेंटेंस को जानने के बाद, ये मैं कुछ पांच सेंटेंस आपको दे रहा हूं, ये पांच सेंटेंस इन चारों रूल से रिलेटेड है। इन पांचों सेंटेंस को आपने हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इनकी इंग्लिश लिखनी है।
इसके अलावा जिसने भी हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली जो भी वीडियो ग्रामर से रिलेटेड हो या लिटरेचर से रिलेटेड हैं वो सब नियमित रूप से आपको मिल सके।